पर सूचना मिला सर प्रभारी थाना अध्यक्ष को कि पाली से कुछ अपराधी लोग जुटान कर रहा था और कोई घटना अंजाम दे रहा है, हर घटना अंजाम दे रहा है, अपराधी प्रवृत्ति का है, लोग जेल से छूटे हैं। इस सूचना की लोग टीम बनाए, टीम बना के उसके बाद इस टीम में निकुंजा कुमार, सोनू राम, राजेश राज, अशोक सिंह, सिपाही पवन कुमार, सोनू और सचिंदर, ये सब मिल के गए और घेराबंद भागने का प्रयास किया। बहुत दूर पीछा करके टीम तो भाग गया और एक आदमी जो पकड़ा है, अपराधी जो है, ये आदमी अपराधी है, भटन अपराधी है, वो पकड़ा है जो पिस्टल आपके सामने है और जिंदा पांच गोली, एक मोबाइल, एक पल्सर मोटरसाइकिल है, अपाची अपाची मोटरसाइकिल है, इसके साथ पकड़ा है। मोटरसाइकिल भी चोरी का अथवा लूट का है, 100% है, पकड़ाया है। तीन इसका साथी भागने में कामयाब हो गए, जो कि इसका नाम है, जो पकड़ाया है, इसका नाम है निकेश कुमार झा, बाप का नाम है बबजन झा उत सुताई, इसका घर है बलिया वार्ड नंबर 16। यह इधर जेल से ही छूटा है, दरभंगा में जेल, दरभंगा से मुख्य हमारे जेल गया था, छूटा है और इसका मुख्य पैसा ही अपराध करके अपना मौत करना है। तीन भी भागा है, उसी पकड़ाने की सूचना है, पकड़ा जाएगा, अपराध पर लगाम लगेगा, लोग अपराधी हैं इसका। ये लोग कुल चार लोग थे सर, चार लोग था, दो मोटरसाइकिल इसका जी पकड़ाया, कामयाब है। और जिस जो गिरफ्तार हुआ उसके पास से पिस्टल भी सर, जो पिस्टल मिला है लोडेड, हम लोग पिस्टल मिला था जी, गोली है, एक मोबाइल मिला और जो मोटरसाइकिल है जो मिला। क्या सर अनुसंधान में कुछ पता चला कि किस लिए अपराध, ये लोग कहीं लूट अथवा डकैती योजना बना, लूट की योजना बना रहे थे, लूटते डकैती करते इसलिए योजना बना रहे थे। पहले भी कुछ मामलों में ये अब ये दरभंगा में मऊ थाना से भी जेल गया था, ये मब्बी थाना से भी जेल गया था, उधर छूटा था, डकैती के लूट केस में जेल में था, ये सब साथी उसका शिकार भी किया है। और इस थाना के भी तीन केसेज में जेल गया, 395 में भी जेल गया। ये अपराधी है, साथी अपराधी है,